चीन के वुहान शहर से निकलकर कोरोना वायरस अब दुनिया को डरा रहा है। भारत में भी इसकी दहशत साफ साफ नजर आ रही है। 2 मौतों और 80 से ज्यादा लोगों के इसकी चपेट में आने के बाद से ही लोग खौफ में हैं। कम से कम 13 राज्यों में इस वायरस ने पैर पसार लिए हैं। इसे फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों ने स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर बंद कर दिए हैं। ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। बावजूद इसके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का मानना है कि भारत में अभी ये खतरनाक स्थिति में नहीं है। भारत में कोरोना वायरस अभी दूसरी स्टेज में है। तीसरी स्टेज में ये खतरनाक होता है और अगर पर्याप्त उपाय किए जाएं तो ऐसा होने से रोका जा सकता है। ICMR का मानना है कि भारत के पास अभी 30 दिन है और अगर इस वक्त में वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसके बाद ही ये बेकाबू होगा। दरअसल पहली स्टेज में कोरोना वायरस संक्रमित जगहों से ट्रांसमिट होता है। दूसरी स्टेज में ये स्थानीय लोगों में फैलना शुरू होता है और नए मामले सामने आते हैं। तीसरी स्टेज में कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर समुदायों के बीच फैलना शुरू होता है। चौथी स्टेज में ये बीमारी महामारी का रूप लेती है। भारत में अभी कोरोना वायरस दूसरी स्टेज में है। देयर आर स्टेजेस ऑफ दिस डिजीज। सो स्टेज 1 इज इंपोर्टेड केसेस एंड दैट इज व्हाट वी हैव गॉट इन इंडिया। स्टेज 1। स्टेज 2 is local transmission. That we have demonstrated also has happened in India, which has happened in the case of the Agra, which were brought to Safdarjung, this 5-6 family members, and also in Kerala in 1 or 2 places. So there have been three incidents of local transmission. So up till stage 2, we are not that much worried. And we are in stage 2. Then comes stage 3, where there is community transmission, and certain communities will be affected in a large areas will be affected, and that will be worrisome. And the fourth stage is the epidemic stage, and that is the stage where Italy and China did a lockdown. भारत ने कोरोना के चीन में फैलते ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए थे। इसी का नतीजा है कि अभी यह बीमारी उस गंभीर स्तर पर नहीं पहुंची जिसका सामना दुनिया के दूसरे मुल्क कर रहे हैं। सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए न केवल एहतियातन सतर्कता बरत रही है बल्कि दवाई के प्रभावशाली डोज तैयार करने की दिशा में भी पहल हो रही है। वायरस से निपटने के लिए देश में जहां भी संक्रमण फैला है वहां इसके लिए तैयारियां स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी इसे स्वास्थ्य इमरजेंसी नहीं बताया है और लोगों से भयभीत न होने की अपील की है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू काइंडली बी अवेयर, डू नॉट गेट पैनिक बट बी अवेयर। इट इज ए इंफेक्शियस डिजीज, दिस हैज टू बी मैनेज्ड। वंस वी आर अवेयर, वंस वी नो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, देन इट इज ए इजीली मैनेजेबल डिजीज। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए तीनों सेनाओं ने भी कमर कस ली है। सेनाओं ने अपने अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संदिग्ध रोगियों को अलग थलग रखने के लिए सेनाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में 4,000 से अधिक बिस्तरों का इंतजाम कर दिया है। तीनों सेनाओं के सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने, रोगियों की पहचान के लिए अलग से OPD शुरू करने और नमूने जुटाने की व्यवस्था भी हो गई है। यानी कोरोना के खिलाफ सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। बस आपको सावधानी बरतने और जागरूक रहने की जरूरत है, जो कोरोना को हराने और भगाने का सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।